नमस्कार मित्रों, नव वर्ष 2022 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा है कि आपके लिए यह वर्ष बहुत ही सुंदर, बहुत सुखद रहेगा। मित्रों, कई लोग कहते सुने गए हैं कि हम तो सनातनी हैं, यह हमारा नव वर्ष थोड़े ही है और क्यों हम बधाई दें, क्यों हम खुशी मनाएं, जरूरत क्या है अंग्रेजी नया साल मनाने की, दूसरे को विश करने की। तो मित्रों, मुझे इतना ही जानना है ऐसे लोगों से कि क्या वो अपना जन्मदिन, अपने बच्चों का जन्मदिन, अपनी एनिवर्सरी आदि क्या सब वह विक्रमी संवत के अनुसार मनाते हैं? क्या उन्होंने पासपोर्ट, आधार, जन्म प्रमाण पत्र आदि में अपनी जन्म तिथि विक्रमी संवत के अनुसार रखी है? यदि ऐसा नहीं है तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसे कि हम आजकल मानते हैं, से न्यू ईयर मनाने में क्या अदावट है, क्या बुराई है? मित्रों, ऐसे भी कोरोना काल में खुशी मनाने, एक दूसरे के साथ उठने बैठने और दो घड़ी चैन की सांस लेने की बहुत कठिनाई है, वैसे विक्रमी संवत के अनुसार नव वर्ष मनाने या कोई भी त्यौहार मनाने की हमें कोई मनाही, कोई रोक टोक तो है नहीं। तो जो कुछ पल खुशी के मिले हैं, जो कुछ पल एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बिताने का हमको मौका मिलता है, उसको हम क्यों छोड़ दें? अपने चारों ओर छोटी मोटी बातों को लेकर दीवारें बनाने से क्या हासिल होगा? मित्रों, मेरे हिसाब से तो खुशियां जब भी आएँ, हंसी ठहाके जब भी आपके द्वार पर हों, आप उनका दिल खोल के स्वागत कीजिए और अपने प्रियजनों के साथ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ हंसिए, खुशी मनाइए और मस्त रहिए। आप दिल खोलने से पाएंगे कि लोग कितने आपके जैसे ही हैं, आपके जैसी ही उनकी छोटी मोटी चीज़ों से खुशियां हैं, आपके जैसे ही उनके सुख दुख भी हैं। और मित्रों, हम सभी जानते हैं कि खून का रंग तो लाल ही होता है, सभी को चोट लगने पर तकलीफ होती है। तो इंसान आखिर इंसान ही है, इंसान की सामान्य ज़रूरतें एक सी हैं और उसकी भावनाएं भी एक सी हैं। तो खुशियों को क्यों खुद से दूर रखें और एक दूसरे के साथ जितना हो सके मिलजुल कर रहें। मैं आपके लिए लाई हूँ नववर्ष पर कुछ कविताएं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। और मित्रों, स्त्रीलॉक्स चैनल आप ही का चैनल है। आज जो मैं कविताएं पढ़ूंगी उसमें कई कवियों की रचनाएं हैं और यदि आप अपनी कोई रचना भी किसी एपिसोड में शामिल करना चाहें तो मुझे इनबॉक्स ज़रूर करें। आपकी रचना, आपकी कविता पढ़ने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। आप सभी जानते हैं मित्रों कि पिछले दिनों हम सब कोरोना काल में हताहत हुए, हर एक को कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर उठाना पड़ा। नववर्ष को अमृता प्रीतम जी अपने शब्दों में बहुत ही सुंदर तरीके से बयान करती हैं और जो सेंस ऑफ लॉस है, जो खोने का एहसास है, वह उनके इन शब्दों से हमें पता चलता है। वो कहती हैं, जैसे इश्क की जबान पर एक छाला उठ आया, सभ्यता की बाहों में से एक चूड़ी टूट गई, इतिहास की अंगूठी में से एक नीलम गिर गया, नया साल कुछ ऐसे आया। तो मित्रों, हम सब ने भी कुछ नीलम खोए हैं, कुछ कड़ियाँ हमारी ज़िंदगी के कुछ रिश्तों के भी टूट गई हैं, लेकिन फिर भी जो जीवित हैं उनको ज़िंदगी के दस्तूर और ज़िंदगी के रफ्तार से चलना ही पड़ेगा। तो मित्रों, क्यों ना हर दिन हम खुशी से बिताएं, हर पल हम सार्थक करने का प्रयास करें। अगली कविता है, हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने शब्दों से अलग अलग आयु वर्ग के लोगों को संबोधित करके कुछ इस तरह कहा है। युवकों को वह कहते हैं, यह शीत प्रीति का वक्त, मुबारक तुमको हो गर्म सांसों में रक्त, मुबारक तुमको। नवयुवकों को वह कहते हैं, तुमने जीवन के जो सुख स्वप्न बनाए, इस वर्ष शरद में वो सब सच हो जाए। बालकों को वह कहते हैं, यह स्वस्थ शरद ऋतु है, आनंद मनाओ, है उम्र तुम्हारी, खेलो कूदो खाओ। अशोक अग्रवाल जी ने नए साल में नई पहल का संदेश दिया है अपनी कविता द्वारा। वह कहते हैं, नए वर्ष में नई पहल हो, कठिन जिंदगी और सरल हो, अनसुलझी जो रही पहेली, अब शायद उसका भी हल हो, जो चलता है वक्त देखकर, आगे जाकर वही सफल हो। नए वर्ष का उगता सूरज,
सबके लिए सुनहरा पल हो। समय हमारा साथ सदा दे, कुछ ऐसी आगे हलचल हो। सुख के चौके पूरे हर द्वारे, सुखमय आंगन का हर कण हो। एक अज्ञात कवि ने 12 महीनों पर एक बहुत ही खूब कविता लिखी है। सर 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 यूं ही सरक जाएगी जनवरी, फर 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 कर उड़ जाएगी फरवरी। मार्च लेकर आएगा रंगों का त्योहार, अप्रैल में बैसाखी लाएगा खुशियां अपार। उफ, मई और जून की तपती दोपहर, काटे नहीं कटते रात दिन यार चारों पहर। जुलाई लेकर आएगा रिमझिम की ठंडी फुहार, धानी चुनर ओढ़ धरती ने किया फिर श्रृंगार। जश्ने आजादी लेकर आता है अगस्त हर बार, करेंगे गुरुजनों का सम्मान सितंबर में बारंबार। अक्टूबर में फिर सजेगा माँ का दरबार, नवंबर में हर घर में जगमगाएंगे खुशियों के दीप अपार। दिसंबर में सांता फिर लेकर आएंगे ढेरों उपहार, एक बार हम फिर मनाएंगे क्रिसमस का त्योहार। और इस वर्ष की भांति अगले वर्ष भी आपसे मिलेंगे हम बारंबार। अंग्रेजी में अगली कविता मेरी ही है मित्रों। टू अ न्यू ईयर, अ न्यू ईयर, हियर हियर, स्प्राउटिंग न्यू होप्स और प्रोग्रेस स्कोप्स, न्यू बिगिनिंग्स, एस्पिरेशंस अ न्यू, मिस्टेक्स टू अनडू, गोल्स क्वाइट अ फ्यू, रिलेशंस टू रिन्यू, डिस्कार्ड सम टू, अ नीड टू प्रैक्टिस रिस्ट्रेंट विदाउट प्रेजुडिस, A bit of warmth and empathy is desirable even if one is busy. To hear out, lend a hand, extend a smile, won't that be a perfect welcome style? Time ultimately shall and readily exact from each. Till then, let not negativity distract, but rejoice and respect, carve a new path. Be sure to reach for the stars ere life departs. मित्रों, कविताएं काफ़ी सारी हैं और मैं कविताओं का सिलसिला जारी रखूंगी अपने अगले एपिसोड में भी, तो देखते रहिएगा, भूलिएगा नहीं। यह चैनल आप ही का चैनल है, अपनी रचनाएं और आप किस बारे में बात करना चाहते हैं यह मुझे इनबॉक्स ज़रूर करिएगा। आशा है आपको कविताएं पसंद आएंगी। थैंक यू, नए वर्ष की शुभकामनाएँ।